Andrade's Monday Night Raw. That's a shame. SmackDown Hungry. Hansen contract before you all say. SmackDown's a little quicker on trigger. Yes, evidently. Okay, Hans. Thank you. Nick, nice to meet you. Nick, say hello. Hola, to Singapore, please. He's great. Yes. Yeah. And hello, everyone. This is Rusunas, and you are watching Russell Takedown. तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है सीएम पंक के सेगमेंट के साथ। सीएम पंक ने रॉयल रमल मैच के लिए मिली हार को लेकर बात की और लगातार दूसरे साल यह मुकाबला जीतने के लिए कोडी रोड्स को बधाई दी। पंक ने यह भी कहा कि रोड्स अपने रेसलमेनिया की जो कहानी जो ख़त्म नहीं किए हैं उसे करते हुए देखना चाहते हैं। जल्द सीएम पंक ट्राइसेप में लगी चोट के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि उनका प्लान था इस साल जो रसल रॉयल रमल के बाद एलिमिनेशन चैम्बर जीतकर रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने का, लेकिन बेस्ट इन द वर्ल्ड को निराशा जाहिर करते हुए बताया कि शायद इस साल वो रेसलमेनिया मेन इवेंट में हिस्सा ना ले पाए। उसके बाद सीएम पंक ने अपने दोस्त के बारे में बताया कि जिसे कैंसर है उसकी तुलना ये चोट काफ़ी जो है छोटी है। और पंक ने यह भी बताया कि UFC ज्वाइन करने के करीब एक दशक के बाद WWE वापसी करने के लेकर बड़ा बात की। वॉइस ऑफ द वॉइसलेस ने कहा कि जो शायद रेसलमेनिया 40 में हिस्सा नहीं बन पाएंगे और अगले साल वो मेन इवेंट का हिस्सा बन पाए। जल्दी ड्रू मैकइंटायर आकर सीएम पंक को तंग कसते हुए कहा कि उन्होंने रॉयल रंबल मैच में चोटिल होने की उम्मीद थी और ऐसा ही देखने को मिला। इसके बाद मैकइंटायर रॉयल रंबल में पंक द्वारा एलिमिनेशन होने के बाद कहा कि दिग्गज को चोटिल होने के बारे में सुनकर अच्छा लगा। जल्द ही स्टॉकिश वारियर ने सीएम पंक पर तंग कसते हुए रेसलमेनिया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन टाइटल पर मैच लड़ने का दावा किया। सीएम पंक ने कहा कि उनके हाथ से ज़्यादा उनके दिल पर दर्द हो रहा है कि अगले साल रेसलमेनिया में जरूर मेन इवेंट करेंगे। और पंक ने बताया कि अगला टारगेट ड्रू मैकइंटायर ही होंगे। इसके बाद इन दोनों सुपरस्टार के बीच ब्रॉल शुरुआत हो गई। इस दौरान ड्रू मैकइंटायर ने सीएम पंक के चोटिल हाथ पे टारगेट किया और उस पर हमला किया। उसके बाद जो है सैमी ज़ेन ने आते हुए बचाया और सीएम पंक को मैकइंटायर पीछे हटने को मजबूर किया। वहीं मेडिकल स्टाफ बेस्ट इन द वर्ल्ड को चेक करते हुए दिखा दिए। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं। रॉ पे जजमेंट डे फिन बैलर एंड डेविन प्रिस्ट का सामना हुआ। DIY ने जॉनी गार्गनो और टॉमसा चैम्पा फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन। मैच की शुरुआत में जजमेंट डे ने DIY पर दबाव बनाने की कोशिश की। जल्द ही जॉनी गार्गनो को टैग मिला और उन्होंने टॉमसा चैम्पा के साथ मिलकर जजमेंट डे पर जबरदस्त हमला किया। वहाँ मुकाबले में काफ़ी देर तक जारी रहा। गार्गनो एंड चैम्पा ने फिन बैलर पर दबाव दिया और टक्कर दी। अंत में जो है जजमेंट डे ने DIY की पूरी तरह से दबदबा बना लिया और डेविन प्रिस्ट ने टॉमसा चैम्पा और रेजर एज देकर हालत ख़राब कर दी। काफ़ी ख़राब होने के बाद उसके बाद जो फिन बैलर ने चैम्पा को टॉप रोप से क्रूडी कॉप देकर पिन करते अपनी टैग टीम चैम्पियनशिप को जो है जारी रखा रेंज। इस तरह जो जजमेंट डे की टीम को जीत मिली। उसके बाद जो है जजमेंट डे की पूरी टीम आ जाती है और जश्न मनाने की कोशिश करती है। उसके बाद जो है R-Truth को बुलाया जाता है और फिर R-Truth अपने फनी बातें करते हैं और फिर डैमेज पेश करते हैं कि वो जजमेंट डे का हिस्सा नहीं बन सकते और जजमेंट डे ने उन पर हमला कर दिया। और उसके बाद जो है दमी जाते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश में उन पर भी हमला हो जाता है और इस तरह ये सेगमेंट ख़त्म होती है। एंड नेक्स्ट मैच की बात करते हैं। सेना बेजलन एंड जो स्टार्क वर्सेस चेस्ली ग्रीन एंड पाइपर निवेन का मैच देखने को मिला। पाइपर निवेन ने मैच शुरू होने के बाद जेसन बेजलर और जो स्टैक पर दबदबा बनाने की कोशिश की। जल्द ही उन्होंने जेस्ली ग्रीन को टैग दिया। जेस्ली ग्रीन ने आते हुए जब अपने चतुराई के साथ अपने विरोधियों के सामने किया, लेकिन स्टार्क ने किक देते हुए दिखा दिए। अंत में जो सेना बेजलर ने पाइपर निवेन और एस्पेरेंस नीचे उतार दिया। उसके बाद ग्रीन का ध्यान भटका और जो स्टार्क ने उन्हें Z360 मूव देकर पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। रॉयल रंबल विजेता कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए रिंग में आए। जल्द ही वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रैगन्स नॉलेज ने उन्हें सेगमेंट में दखल दिया। रेसलमेनिया में रोमन रेंस की जगह उन्हें अपना प्रतिद्वंद्व चुनने को कहा। क्राउड ने तुरंत ही साफ इससे इनकार कर दिया कि मैच नहीं होना चाहिए। इसके बाद रॉलिंस ने खुद को द गाय बताते हुए सेथ ने कहा कि पिछले साल रोड्स को रोमन को चैलेंज करने का मतलब बनता था क्योंकि उस वक्त केवल वही वर्ल्ड चैंपियन थे। इसके बाद आर्किटेक्ट ने खुद के फाइटिंग चैंपियन होने को लेकर बात की। सेथ रॉलिंस ने दावा किया है कि सभी रोमन रेंस से परेशान हो गए थे इसलिए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बन पाए। जल्द ही सेथ ने कोडी रोड्स से पूछा कि उन्हें रोमन रेंस का टाइटल चाहिए या डस्टी रोड्स टाइटल चाहिए। उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन टाइटल का वर्कहार्स चैंपियनशिप बताया। सेथ रॉलिंस ने आगे यह कि कोडी रोड्स काफ़ी सोच समझकर इस बारे में फैसला ले सकते हैं।
कोडी ने इस फैसले को टाल दिया है अभी फिलहाल, और देखते हैं आने वाले हफ्तों में क्या कोडी रोड्स किसके साथ उनका मैच होता है रेसलमेनिया में। एंड द नेक्स्ट मैच, जे उसो वर्सेस ब्रॉनसन रीड। जे उसो ने ब्रॉनसन रीड के खिलाफ मैच देखने को मिला। इस मुकाबले में दोनों ही सुपरस्टार के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। जे यहाँ अपनी बेहतरीन इन रिंग स्किल इस्तेमाल करते हुए रीड को डोमिनेट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। वहीं ब्रॉनसन रीड ने अपनी ताकत के इस्तेमाल करके उसो को हालत ख़राब करने की कोशिश की। अंत में ब्रॉनसन रीड ने जे उसो को डेथ ड्राइवर मूव देने के बाद टॉप रोप से उन्हें अपना फिनिशर दिया, लेकिन उन्होंने खुद को इस हमले से बचा लिया। इसके बाद रोमन रेंस के भाई ने यानी जे उसो ने रीड को स्पीयर देने के बाद टॉप रोप से स्पेशल देकर स्पिन करते हुए इस मैच में जीत हासिल की और सभी को चौंका दिया। नेक्स्ट मैच फॉर द कोफी किंगस्टन वर्सेस गुंथर का मैच देखने के लिए फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। कोफी किंगस्टन ने मैच को शुरू होते ही गुंथर पर जबरदस्त हमला करके उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। जल्द ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मुकाबले में वापसी की और कोफी को सबमिशन में जकड़ लिया। किंगस्टन ने खुद को आज़ाद करने के में कामयाब रहे, लेकिन इसके बाद भी इंपीरियल लीडर ने उन पर हमला करना जारी रखा। हालांकि कोफी किंगस्टन हार मानने के मूड में नहीं थे। उन्होंने गुंथर के खिलाफ बेहतरीन मूव का इस्तेमाल करके खुद को मैच में बनाए रखने का पूरी तरह कोशिश की। वही मुकाबले के अंत में गुंथर ने कोफी किंगस्टन को जो क्लैक्सन ड्रॉप किक और पावर बॉम्ब हिट करने के बाद पिन करते हुए इस मैच में जीत हासिल की। और मुकाबले के बाद इंपीरियल ने कोफी किंगस्टन और जेवियर पर खतरनाक तरीके से हमला किया है। अब आगे क्या होने वाली है इंपीरियल और न्यू डे के मैच, तो आज के विजेता रहे हैं गुंथर स्टील इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, उस ऑस्का एंड कैरी सेन वर्सेस टैगर नॉक्स एंड नटेला के बीच एक मैच देखने को मिला। वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप चैंपियन टैगर नॉक्स और नटेला के सामना हुआ। मैच की शुरुआत होते ही बाद में टैगर नॉक्स नटेला के टीम के रूप में काम करते हुए कैरी सेन पर कंट्रोल हासिल किया। हल जल्द ही कैरी ने ऑस्का को टैग देके इसके बाद जो है नॉक्स एंड नटेलिया का मैच में दबदबा जारी रहा। थोड़ी देर बाद ऑक्सा ने मुकाबले पर वापसी की। उन्होंने टैगन नॉक्स पर जबरदस्त हमला करते हुए अंत में नटेलिया ने अपनी पार्टनर टैगन नॉक्स को टैग देना चाहती थी, लेकिन टैगन करारी सेन से हमला करने के अपना ध्यान लगाया। इसके बाद ऑस्का ने नटेलिया पर अटैक करने के बाद कारी सेन को टैग दिया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को टॉप रोप से फिनिशर देने के बाद ये पिन करते हुए उस मैच में जीत हासिल की और आस्का और कारी सेन की जीत होती है इसी बीच। और रॉयल रंबल विजेता और मैच खत्म होते ही बेली आई। यहाँ रॉयल रंबल विजेता बेली ने प्रोमो देते हुए डैमेज कंट्रोल को मिली सफलता को लेकर बात की। कहा कि इस फ्रैक्शन के पास WWE वुमेंस टाइटल है, वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप है। बेली खुद को तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने काफ़ी बेहतरीन रोस्टर होते हुए भी वुमेंस रॉयल रंबल मैच में 63 मिनट्स समय बिताया और इस मैच में जीत हासिल की। रॉन मॉडल ने रेसलमेनिया में अपनी जीत का दावा किया। इसके बाद रिया रिपली ने दखल दिया, कहा कि उन्हें चुनने की स्थिति में बेली को हारना होगा। जल्द ही नाया जैक्स ने आकर रिया रिपली पर जबरदस्त हमला करते हुए रिंग लाकर उन्हें ऑन ट्रेटर देते हुए धराशायी किया। इसके बाद डैमेज कंट्रोल के मेंबर्स डर के नीचे रिंग के बाहर चले गए। बेली अकेली रह गए नाया के बेली को ईओ स्काई किसी दूसरे सुपरस्टार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा। दावा किया कि रिया रेसलमेनिया में हिस्सा नहीं बन पाएंगी। इसके बाद रोल मॉडल यानी बेली ने कहा कि वो स्मैकडाउन में अपनी रेसलमेनिया प्रतिनिधि का ऐलान करेंगी। एंड टाइम फॉर द मेन इवेंट, ड्रू मैकेंटायर वर्सेस सेमी ज़ेन। मैच शुरू होने के बाद दोनों सुपरस्टार एक दूसरे पर हमला किया। जल्द ही सेमी ज़ेन ने ड्रू मैकेंटायर को रिंग से बाहर करने के बाद उन पर ड्राइव लगाई, लेकिन मैकेंटायर ने उन्हें कैच करने के बाद कमेंट्री टेबल पे तरफ फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद ज़ेन ने ड्रू पर ड्राइव लगाई। इसके मुकाबले का एक वक्त ऐसा आया कि सेमी ज़ेन ने मैकेंटायर पर टॉर्नेटी डीडीटी देने के बाद पिन किया, लेकिन उन्होंने किक आउट कर दिया। इसके बाद जो है इन सुपरस्टार ने एक दूसरे को हालत ख़राब करने की पूरी तरह कोशिश जोड़। थोड़ी देर बाद सेमी ज़ेन ने टॉप अप पे ड्रू मैकेंटायर को सुपरेक्स देने की कोशिश की। ड्रू ने इस थंडर बॉम्ब मूव बदल दिया। इसके बाद जो है मोरो WWE चैंपियन एक बार फिर से सेमी ज़ेन पर हमला करने की कोशिश की। उसने टॉप रोप पर मूव देकर पिन किया, लेकिन सेमी ने किक आउट कर दिया और सबको चौंका दिया। ज़ेन ने अंत में मैकेंटायर पर
हॉलवे किक लगाते हुए चक्कर में चोट लग गई। इसके फायदा उठाते हुए हिल्स जो है ड्रू मैकएंटायर अपने प्रतिद्वंदी सेमी जेन को क्लेमोर किक देने के बाद पिन करते हुए इस मैच में जीत हासिल कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कैंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।